हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में तिथि की गणना पंचांग द्वारा ही की जाती है। वहीं धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई पर्व, सभी कुछ पंचांग में देखकर ही सुझाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई पंचांग अलग अलग ज्योतिष आचार्यों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन इन सब में उत्तराखंड का पंचांग अलग है। यह पंचांग उत्तराखंड के कुमाऊं में मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसे रामदत्त जोशी का पंचांग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर के पुजारी और ज्योतिषाचार्य नवीन तिवारी बताते हैं कि कुमाऊं में मुख्य रूप से रामदत्त जोशी के पंचांग का उपयोग ज्योतिष में किया जाता है। देखिए, वैसे पंचांग जितने भी हैं हमारे वहाँ उत्तराखंड में चलने वाले, अभी तो वर्तमान में चार पंचांग है। गढ़वाल से एक वाणी भूषण है नागेंद्र व्यास जी का, और एक तारा प्रसाद पंचांग चलता है रामनगर से रमेश जोशी जी का, एक नक्षत्र ज्योतिप है वो मदन पंथ का है काशीपुर से, और रामदत्त पंथ जी का, उससे पहले भास्करानंद जी का था वो अब बंद हो गया। तो रामदत्त पंचांग, रामदत्त जी का पंचांग हमारे कुमाऊं में बहुत पहले से चल रहा है, और उसी पंचांग के आधार पर हमारे वहाँ जन्मपत्र बनाना या कुंडली बनाना या जो तिथि त्यौहार है उसी से उनकी गणना होती है या मनाए जाते हैं। पंचांग की गणना सौर वर्ष और चंद्र वर्ष से होती है, तो उसे दृग्गणित कहते हैं। और उसमें पहले तो एक एक महीने का भी अंतर आता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब ने एक ही गणित करना शुरू कर दिया, तो उसमें कुछ समय का या घंटों का मिनटों का फर्क आ जाता है। उसके आधार पर जैसा कि हमारे वहाँ इस बार 1 नवंबर को मनाने का प्राविधान है, तो हम लोग उदय व्यापनी तिथि को मानते हैं। अमावस्या 1 नवंबर को उदय व्यापनी है, और सायंकाल में पूजा के समय जिस हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी का जिस समय, तो उस समय तक अमावस्या प्राप्त है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक 27 घड़ी के समथिंग कुछ दिनमान है, और उससे लगभग लगभग 1 घंटा और अमावस्या होने की वजह से 1 नवंबर को हमारे वहाँ पूरे उत्तराखंड में महालक्ष्मी पूजन या लक्ष्मी पूजन या दीपावली मनाने का जो निर्णय लिया गया वो इसी आधार पर लिया गया है कि 1 नवंबर को ही मनाया जाए। अमावस्या में महालक्ष्मी का पूजन सायंकाल में इष्ट लग्न में किया जाता है, तो इसीलिए ऐसा सब लोगों ने एक विचार बनाया है कि 1 नवंबर को महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। रामदत्त जी का जो पंचांग है वो अल्मोड़े के हैं, अल्मोड़ा को अक्षांतर देशांतर मान करके उन्होंने उस पंचांग गणना पहले करी, गणित किया। तो हर जो भी पंचांगकार होता है वो अपने वहाँ के अक्षांतर देशांतर को लेकर के गणना करता है, तो इसलिए रामदत्त जोशी जी का पंचांग हमारे वहाँ उनके जो भी तिथि हैं इसीलिए यहाँ मान्य है कि वो अल्मोड़ा के होने की वजह से और यहाँ जो उसकी गणना होती है इसलिए उसका विशेष महत्व माना जाता है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।